हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज की हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मारुति सुजुकी पर बेस्ड है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कार मैन्युफैक्चरर की उस कंपनी के बारे में जिसने 30 दिन के अंदर जो है 1.3 लाख यूनिट्स बेचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो फ्रेंड्स, मारुति सुजुकी भारत में सबसे ज़्यादा कार बेचने वाली कंपनियों में से एक है। भारत में यह कंपनी शुरुआत के बाद ही जो है लगभग 2.5 करोड़ कारों का उत्पादन कर चुकी है। इसके साथ ही कंपनी ने एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया है। कार निर्माता वर्तमान में हर साल लगभग 22 लाख यूनिट्स कार बनाती है। मारुति की गाड़ियों की बाज़ार में इतनी ज़्यादा डिमांड है कि उत्पादन कम पड़ जा रहा है। इसको देखते हुए मारुति सुजुकी अब एक बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रही है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति अब हरियाणा में स्थित मानेसर प्लांट में अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मारुति सुजुकी के पास फिलहाल दिसंबर तक 4 लाख से ज़्यादा कारों का ऑर्डर है। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि मारुति सुजुकी अपने किन प्लांट्स में जो है करती है प्रोडक्शन। तो मारुति सुजुकी फ्रेंड्स वर्तमान में हरियाणा में स्थित मानेसर और गुरुग्राम में अपनी दो ऑपरेशनल फैसिलिटी से लगभग 15 लाख कारों का निर्माण करती है। यह गुजरात में सुजुकी प्लांट से 7 लाख से अधिक यूनिट्स का भी निर्माण करती है। मारुति भी हरियाणा के सोनीपत में अपना तीसरा प्लांट लगा रही है। अगले 3 सालों में अन्य प्लांट चालू हो जाने से मारुति को शुरुआती दिनों में ही लगभग 2.5 लाख कार यूनिट्स का उत्पाद करने में जो है मदद मिलेगी। वहीं कंपनी जो है हर महीने 1.3 लाख कारें जो है सेल्स करती है। 2025 तक मारुति की कुल उत्पादन क्षमता कम से कम 25 लाख से अधिक कारों की हो सकती है। कार निर्माता हर महीने औसतन लगभग 1.3 लाख यूनिट्स बेचती है। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कि मारुति सुजुकी जो है एल्टो, सेलेरियो, ब्रेजा और डिजायर को कहाँ मैन्युफैक्चर करती है। तो मारुति मानेसर फैसिलिटी से एल्टो, एस्प्रेसो और सेलेरियो, ब्रेजा और डिजायर जैसी कारों को रोल आउट करती है। भारत में मारुति की पहली यूनिट गुरुग्राम फैसिलिटी का उपयोग अर्टिगा, एक्सल 6 और इको जैसी कारों को निर्माण के लिए किया जाता है। पिछले हफ्ते मारुति सुजुकी ने सोनीपत में अपना प्लांट लगाने के लिए नए मॉडल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,000 करोड़ से अधिक का निवेश करने की जो है घोषणा की है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी राय हमें ज़रूर दें। बाइक पर हेलमेट और कार में सीट बेल्ट जरूर लगाएं।